आप सबने सुना होगा कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ और पैरों में डील हो गई है, मुझे कौन हो गए हैं, गांठें सी हो गई हैं, तो उसका मुझे कोई इलाज बताएं क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान कर रही हैं, मुझे काफ़ी चलने में दर्द होता है, मुझे चीज़ें पकड़ने में दर्द होता है। तो आज इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे, कौन और डील है क्या, ये क्या बीमारी है, क्यों होती है और इसके क्या लक्षण हैं और इसका उपाय क्या है। मैं डॉक्टर अमनजीत सिंह, सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, गुरुग्राम में प्रैक्टिस करता हूं और आज हम कॉर्न और डील के बारे में आपके बीच में ये चर्चा करेंगे। कॉर्न्स होने के रीजंस क्या हैं, कारण क्या हैं और ये किन किन लोगों में प्रायः देखा जाता है। कॉर्न क्यों होता है? कॉर्न बेसिकली एक तरह की कैलोसिटी है, थिकन्ड स्किन। कई लोग बोलते हैं कि हमें गांठें सी हो रही हैं पैरों में, तो वो क्यों होती है? क्योंकि ऐसे लोगों की अगर फुटवेयर ठीक नहीं होगा, उनका जूता टाइट होएगा, कहीं कहीं उनको पेन करेगा, वो जूता पिंच करेगा, तो वो एक कॉर्न बनाने में काफ़ी हद तक मेजर रोल प्ले करता है। कॉर्न में क्या होता है, जहाँ पे फ्रिक्शन होती है वहाँ पे जो स्किन होती है उस पर कंटिन्यूस घिसाई होती रहती है, जिसकी वजह से जो शरीर का नॉर्मल मैकेनिज़्म है वो उसको बचाव करने के लिए वहाँ पे उस जगह पे सेल्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं। तो कॉर्न और जो नॉर्मली डील जिसको हम बोलते हैं, वो अगर किसी में देखा जाए तो वो हमें सबसे पहले फ्रिक्शनल एरियाज देखना चाहिए, जहाँ पे फ्रिक्शन पड़ती है। ऐसे कई लोगों में जिनको के हाई हील शूज पहनने की या फुटवेयर पहनने की आदत होती है, उनमें भी ये कॉमनली देखा जाता है। कई लोगों को अगर नंगे पैर चलने की आदत होती है, बिकॉज फ्लोरिंग जो होती है, ज़मीन जो होती है, या सड़क पे भी नंगे पैर चल रहे हैं, तो वो हार्ड टिश्यू बनने लगता है जहाँ जहाँ पे पैर पड़ते हैं, तो उन सब में ये कॉमनली पाया जाता है। तो अगर किसी को कॉर्न हो जाता है तो हमें सबसे पहले उसको डिस्टिंक्ट करना है कि ये कॉर्न ही है या वायरल वॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि जो कॉर्न होता है वो वायरल वॉर्ट से भी मिमिक करता है और जो कॉर्न होता है वो कैलोसिटी से भी मिमिक करता है। सो कॉर्न और वॉर्ट्स और कैलोसिटीज, ये तीनों कंडीशंस हैं जिनमें कि गांठें बन जाती हैं, नॉर्मली सोल्स पे बनती हैं और कई बार ये हाथों में भी देखा जाता है। हाथों में किन लोगों में देखा जाता है? जिनके के प्रेशर का काम ज़्यादा होता है, जैसे कोई स्कूटी सारा दिन चला रहे हैं, जहाँ जहाँ पे प्रेशर पड़ेगा वहाँ पे कॉर्न डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा कई लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ वहाँ पे फ्रिक्शन होती है, वहाँ पे भी कॉर्न बनना लाजमी हो जाता है। इसी प्रकार जो वायरल वॉर्ट है उसमें और कॉर्न में कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे? जो वायरल वॉर्ट्स हैं वो नॉर्मली क्या होता है, वो एक वायरस से होता है जो कि अंदर पेनिट्रेट कर रहा होता है। तो जब हम चलते हैं तो प्रेशर पड़ता है नर्व्स के ऊपर, तो वायरल वॉर्ट पेन करता है। बट जो कॉर्न है, अगर उसको हम टेंजेंशियली, जैसे दोनों साइड से अगर हम उसको फोल्ड करें या प्रेस करें, प्रेशर डालें, तो उनमें पेन होता है। तो ये एक मेजर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है जो कि बहुत ज़रूरी है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी। अब जब हमने कॉर्न है या वॉट है जब हमने डायग्नोस कर लिया, तो अब नेक्स्ट स्टेप इज़ इसको ट्रीट कैसे किया जाए। तो इसको ट्रीट करने के लिए काफ़ी तरह की सुविधाएँ हैं हमारे पास में। सबसे पहले हम होम रेमेडीज़ ट्राई करना चाहते हैं, उसके लिए अगर किसी को टाइट फुटवेयर्स हैं, फुटवेयर चेंज करें। इनग्रोइंग नेल्स हैं, टो नेल्स हैं, तो उनका डॉक्टर से रह के समय रहते इलाज करवाएं। इसके अलावा अपना हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि अपने पैरों को गर्म पानी में सोक करें 10-15 मिनट के लिए, और आजकल 15-40% सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड पेंट्स आते हैं जिनको कि हम अगर लगाना शुरू करते हैं रात के समय में सोक करके लगाते हैं, तो उससे ऊपर की जो स्किन है वो हटने लगती है और ग्रेजुअली धीरे धीरे ये नॉर्मल होते चले जाते हैं। अगर किसी को लगता है कि ये पेनफुल हैं, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो हम इसको इन्यूक्लिएट भी कर सकते हैं, लोकल एनेस्थीजिया देके उसको कट करके निकाल सकते हैं। हम लोग उसको लेज़र की सहायता से भी निकाल सकते हैं। आजकल मार्केट में इन सोल्स भी आते हैं जो कि जूते के अंदर डाल सकते हैं, जो कि प्रेशर पॉइंट्स जहाँ जहाँ होते हैं उसको कवर कर लेता है, सो पेशेंट को अपनी रोज़मर्रा की जो भी लाइफ है उसको नॉर्मली व्यतीत कर सकते हैं। सो ये जो हमने टॉपिक अभी कवर किया कॉर्न्स के बारे में, इसका ध्यान रखें।
अगर पहले ही कोई सिम्टम्स हो लगते हैं तो इमीडिएटली डर्मेटोलॉजिस्ट को संपर्क करें, मिलें, और जिससे कि ये और बढ़े नहीं, जिससे आपको असुविधा नहीं होए, जिससे कि आपकी रोज़मर्रा की लाइफ सफ़र नहीं करे, हैम्पर नहीं करे। ऐसे और इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ के लिए आप टाटा 1MG के चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।